about the father and the son, brothers, a wife, and the shadow of a mother who is not there, but she is very much there in the film. और आज से ठीक 20 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जो भी फैमिली के ऊपर थी और 20 साल बाद एक और फिल्म रिलीज हो रही है तितली जो भी फैमिली के ऊपर है लेकिन हम सब जानते हैं कि तितली एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है इसमें वही इंडियन फैमिली है लेकिन डिपिक्शन ट्रीटमेंट बहुत ही नया है बहुत ही आज का है आई फील इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर of the change that Indian cinema, Indian society has gone through. इस फिल्म में मैं यही कहना चाहता था कि हम आप सब अलग अलग रूप से जो तितली की फैमिली में हो रहा है हम सब झेल चुके हैं एक इंसान इस रूम में ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी उस मुकाम से नहीं गुजरा होगा एक चीज जिसने मुझे इस स्क्रिप्ट की ओर बहुत खींचा था बिकॉज आई हैव सीन सर्टन अमाउंट ऑफ वायलेंस ट्रैवलिंग फैमिली टू फैमिली जनरेशन टू जनरेशन मेरे भाइयों ने मुझे पीटा क्यों क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको पीटा मेरे पिताजी ने उनको क्यों पीटा क्योंकि मेरे दादा ने मेरे पिताजी को पीटा तो दिस इज पार्ट ऑफ हाउ आवर फैमिलीज बट आई एम सेइंग इसको कहते हैं हम लोग फैमिली है बट इज इट फैमिली दैट इज व्हाट इट मींस आप लोगों को जब ये स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तो कितना आप लोगों के लिए शॉकिंग था ये जो पार्ट आप लोग प्ले कर रहे हैं क्या रिएक्शन था आप लोगों का जिस तरह का रिश्ता आप दोनों का दिखाया गया है शॉकिंग तो बहुत था पर मेरे को नौकरी की जरूरत थी तो जितना मैं शॉक हुआ मैं स्क्रिप्ट पढ़ के खुश भी हुआ बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी और मुझे ये समझ आया था कि स्क्रिप्ट पढ़ के कि जो हमारे देश में चल रहा है जो ये पेट्रियार्कल जो ये मैस्कुलिनिटी ओवरडोज हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ बिकॉज मैं एक शेल्टर्ड लाइफ जिया हूँ और सबके बीच में कुछ नहीं समझा मैं शॉक जरूर हुआ मैं खुश ज्यादा हुआ जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले तो मैं एक्चुअली शॉक में थी बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब मैंने रिलेट करना शुरू किया अपनी फैमिली में वो चीजें याद होता है ना आप जब पढ़ लेते हो चीजें तो आपको याद आता है रिलेट करते हो हर सीन के साथ तो मैंने हर सीन के साथ रिलेट किया तो मुझे लगा एक्चुअली कुछ गुड है ही नहीं सब कुछ ग्रे में फॉल कर रहा है सो उसके बाद से आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट व्हिच वाज रिटन बाय कनु एंड शरद It's one of the finest screenplays I have read in recent times. मतलब ऐसे ही स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भूखा रहता हूँ मैं. And kudos to them for a fabulous script.